मेरा नाम मानवी राज है। मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। मैं मुंबई में अंधेरी वर्सोवा में रहती हूँ और वो यहाँ पर आकर मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो हर दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता है। मेरे कुछ फोटोज़ को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनको वो उनकी भी फ़ोटोज़ पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीज़ें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूँ। और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, और वो मुस्लिम है, वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊँ, उससे शादी कर लूँ। जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी। स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय तनवीर अख्तर खान, फर्स्ट पार्टी नेम तनवीर अख्तर। तनवीर अख्तर सन ऑफ मोहम्मद लिकर खान लाइक खान, रेसिडेंट ऑफ यूनस चौक, नई मोहल्ला, डोरंडा, पोस्ट ऑफिस डोरंडा, डिस्ट्रिक्ट रांची, झारखंड। ये इसका एड्रेस है। फर्स्ट है दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन, दैट आई एम रेसिडिंग एट अबव मेंशनड एड्रेस, दैट आई एम वर्किंग विथ यश मॉडल्स, आई एम राइटिंग दिस डिक्लेरेशन इन माई सेंस एंड सेइंग दैट आई हरास्ड मानवी राज एंड ऑल्सो हरास्ड हर फैमिली एंड फ्रेंड व्हेन आई वॉज नॉट हैप्पी विथ हर। आई डिड रॉन्ग टू हर बट माई इंटेंशन वॉज नॉट बैड टू हार्म हर। आई लव्ड हर एंड नाउ आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई दैट आई विल नेवर हरास, ब्लैकमेल और टॉर्चर हर एंड हर फैमिली मेम्बर फॉर एनी रीजन। And also I'll never write and post bad things and images on social media about her work, and if both agree we can work in future with mutual understanding and will respect for each other. If I will do anything wrong, then Manvi Raj can take legal action against me, Tanvir Akhtar, and can take action against my family also. If I'll not in India, I will share my address and passport details with her to track and take action against me. I promise I'll also share my location where I am staying in and traveling. So if I'll do wrong, she can do complaint and take action against me. Ye signature. That the statements made above accurate and correct. If found wrong, I am fully liable for the same.
सोन एंड साइंड एट रांची ऑन 17/1/2023। ये वो एफिडेविट थी जो उसने मुझे दिया है, ताकि वो मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा, कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। इस एफिडेविट के आने के बाद और बार बार उसके और उसके घर वालों के रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने जो कंप्लेन करी थी वो वापस ले ली। कंप्लेन वापस लेने के कुछ ही दिन बाद वो फिर मुंबई आया और फिर से उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं घबराकर पुलिस स्टेशन गई और फिर से उसके खिलाफ कंप्लेन किया। वो मुझे कई दफ़ा मारने की कोशिश कर चुका है और मैंने कई बार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की। तनवीर अख्तर खान की एक बहन साजिया है जो डाल्टनगंज में रहती है, डाल्टनगंज झारखंड में रहती है। इसकी जो तनवीर अख्तर खान मेरे साथ कर रहा है इसकी पूरी जानकारी साजिया को भी है और उसके पति शादाब खान को है। जब साजिया से मैंने मदद मांगी कि वो मेरी मदद करे, इससे इसको कहे मत ऐसा ना करे जो वो करता आ रहा है, तो साजिया ने मुझे कहा कि तुम खुद शादी कर लो उससे, वरना भाई बहुत जिद्दी है, वो किसी ना किसी तरह से तुमसे शादी कर ही लेंगे। आज 25 मई 2023 है। 23 मई को मेरा बर्थडे था और उस दिन भी उसने हर बार की तरह मुझे ब्लैकमेल किया, मुझसे मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मेरे फैमिली वालों को गाली गलौज किया, अलग अलग नंबरों से मैसेजेस करता है, बहुत घटिया बहुत गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करता है। जब मैंने मेरे घर वालों ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो वो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अजीबो गरीब पोस्ट करने लगा मेरी फोटोज को लेके, या मेरी किसी के भी साथ फोटो हो उसको लेके कुछ भी एडिट करके और कैप्शन गंदे गंदे डाल के वो पोस्ट करने लग गया। मेरे नाम से आईडी बना के मेरे लोगों को रिक्वेस्ट भेज के वो दिखाने लग गया, ताकि मैं उसकी बात मान लूं और वो जैसा कहता है मैं वैसा करूं। यहाँ तक कि उसने मारने की कोशिश मुझे की और वो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता है कि मैं उसको मारने वाली हूँ, मैं उसको मारना चाहती हूँ, मेरे परिवार का नाम डालता है। मैं मानवी राज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस हैवान से बचाइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और उन सभी अफसरों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं, कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कल को वो मेरे साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता, उससे पहले मैं ही कुछ ना कर लूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए और इस हैवान से मुझे बचाइए। वो चाहे मुझे जान से भी मार दे, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी, मैं कभी मुस्लिम नहीं बनूंगी और ना कभी किसी मुस्लिम से शादी करूंगी। जय श्री राम।